नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 21 अगस्त को शिफ्ट दो के मैथ्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखिए, जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए पिछले एक हफ्ते के अंदर उसी पैटर्न पे आ रहे हैं सब कुछ। ये वाला मैं बता चुका हूँ आपको कि आपको ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज रटनी है, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी पूरा बता चुका हूँ। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन बता चुका हूँ, वही क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ट्रायंगल वाले क्वेश्चन वही आ रहे हैं, एक 90 दे देते हैं, एक और दे देते हैं दूसरा, और बाकी एंगल आपको निकालना होता है, साइड निकालनी होती है। रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं, एपी वाले क्वेश्चन भी 2 दिन से लगातार आ रहे हैं हर शिफ्ट में, और ये वाला तो एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर आप हमारे वीडियो को मैथ वाले फॉलो कर रहे होंगे, जो मैं मेथड और कॉन्सेप्ट बताता हूँ उससे भी आपके लोगों ने अभी 22-23 क्वेश्चन करेक्ट करेक्ट किए हैं एकदम। एक क्वेश्चन आया था कॉट 60 माइनस सेक 45, मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री की आपको बस 3 वैल्यूज रटनी है और बाकी सब हो जाएगा काम। साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, और साइन 60 होता है √3/2। बस ये 3 रटनी है। साइन 30 की वैल्यू होती है कॉस 60, साइन 45 की वैल्यू इज इक्वल टू होती है कॉस 45, और साइन 60 होता है कॉस 30। तो ये साइन कॉस आ गया पूरा आपका। अब टेन क्या होता है? साइन बाई कॉस, और कॉसेक क्या होता है? 1/sin, और सेक क्या होता है? 1/cos, कॉट क्या होता है? 1/10, सब कुछ आ जाएगा इससे। 99 का बाइनरी निकालना था, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ पूरे एग्जांपल करके। 99 से आप 2 से डिवाइड करना चालू करिए, अब जितना रिमाइंडर बचता जाए वो इधर लिखते जाइए, और अगर रिमाइंडर नहीं बचे तो 0 लिख दीजिए, और यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक ही हो गया बाइनरी। तो आप ऐसे करते जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 110011। और इसमें अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो जो मैंने पहले बताया था मेथड बाइनरी टू डेसिमल, उससे कर लीजिए कि जितने कितने नंबर हैं, 7 नंबर हैं, 2^6 से चालू करेंगे राइट से, और 2^0 तक जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 99 आ जाएगा। फ्रैक्शन प्लस 3 टाइम्स इसका रिसिप्रोकल दिया है 19/4, फ्रैक्शन निकालना है। मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे एक्स बाई वाई नहीं मानना है, सिर्फ एक्स मानिए, प्लस 3/x करिए और इसमें आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। ट्राइंगल दिया हुआ है राइट एंगल का बी पे, और एक एंगल दिया हुआ है ए, और ए सी दिया हुआ है, ए भी निकालना है। कॉस की फॉर्मूला ही वही होता है, बी बाई एच। कॉस 30 अगर आप लेंगे तो इसके लिए बी हो जाएगा ए बी, और एच हो जाएगा ये, तो आप इससे निकाल सकते हैं, √5/√3 आ जाएगी। वाई इज इक्वल टू 2 के अराउंड 5-1 का रिफ्लेक्शन निकालना है। वाई देखिए, वही क्या करना है, एक्स एक्सिस करी, वाई एक्सिस करी, वाई इज इक्वल टू 2 लाइन कर ली, 5, -1, तो 1, 2, 3, 4, 5 और -1 यहाँ पे हो गया पॉइंट। ये वाला पॉइंट देखिए यहाँ पे है ये। अब इस पे आपको रिफ्लेक्शन निकालना है, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ से लाइन के डिस्टेंस निकालो, तो 1 और +3 हो गया, 2 + 1 + 2 ये हो गया 3, इससे ऊपर 3 जाना है आपको, तो बस एक्स कोऑर्डिनेट वही रहेंगे और ये वाई कोऑर्डिनेट कितने हो गए 5, तो 5 आंसर आ गया इसका। एपी में आपको 3rd टर्म दिया है, 6th टर्म दिया है, और 11th टर्म निकालना है। कितना क्वेश्चन सिंपल आ रहा है यार, मैथ्स के क्वेश्चन बहुत सिंपल आ रहे हैं, मतलब आप एकदम, अगर आपके पास 15 मिनट में भी हैं तो 12-13 मिनट में भी लोगों ने किए हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन कैलकुलेटिव छोड़ के। सिंपल आपको क्या बताया था मैंने, टी एन क्या होता है, a+(n-1d), और एस एन क्या होता है, n/2 × 2a+(n-1d, बस वही फॉर्मूला लगेगा टी एन वाला। थर्ड टर्म 13 है, a+(2d = 13, 6th टर्म -5 है, a+(5d = -5, डी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, 11 निकालना है, a+(n-1d) से आप निकाल सकते हैं। और ये तो SSC का सिंपल क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है, SSC बहुत प्यार करती है इस क्वेश्चन से। a+b की वैल्यू दी हुई है 10, ab की वैल्यू दी हुई है 24, और a³ + b³ निकालना है। हिट एंड ट्रायल से हो जाएगा, a को 6 रखिए, b को 4 रखिए, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर, और दूसरे एग्जाम वाले भी प्लीज़ टेलीग्राम को ही शेयर कर, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और जितने भी यूट्यूब के हमारे सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल को, क्योंकि यूट्यूब में नोटिफिकेशन नहीं आ पाते हैं कई बार, वो कुछ टेक्निकल रीज़न है यूट्यूब का, तो इसीलिए अगर आपको हमारा वीडियो कोई भी मिस नहीं करना है तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पे मैं हर यूट्यूब के वीडियो की लिंक जरूर शेयर करता हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग।